अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और पटना में तूफान आया हुआ है जिसके वजह से लाइट नहीं है, जिसके वजह से मेरा फैन नहीं चल रहा और सिर्फ सिंगल लाइट ऑन करके मैं ये वीडियो कर पा रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी थोड़ी खराब होगी तो उसके लिए सॉरी। और फैन ऑन नहीं है तो पूरा का पूरा दिमाग और भेजा गर्म हो गया, इसलिए इस वीडियो में ज्यादा वायलेंट हो जाऊं तो उसके लिए भी सॉरी। तो एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी कुछ देर पहले मैंने एक अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दिया था Redmi 9 प्राइम के बारे में, उसमें क्या कुछ अच्छी मिलती है, क्या कुछ बुरी चीजें मिलती है, आपको कौन सा वेरिएंट बाय करना चाहिए, कौन सा वेरिएंट बाय नहीं करना चाहिए, सब कुछ ऑनेस्टी से मैंने आपको समझाया था। उसके बाद मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था और ट्विटर पे ट्वीट देख रहा था Redmi 9 प्राइम के बारे में। मुझे सबसे ज्यादा ट्वीट्स किस बारे में मिली कि Redmi 9 प्राइम में मिलता है हमें क्लीन मास्टर का डिफिनेशन। जब क्लीन मास्टर डेढ़ महीने पहले हमारे देश इंडिया में बैन हो चुका है तो हमें क्लीन मास्टर का डिफिनेशन क्यों मिलता है Redmi 9 प्राइम में, लोगों का यह सवाल था। इसका जवाब यह है कि आपके पास फेक न्यूज पहुंचा है, इसका जवाब यह है कि आपके साथ स्कैम किया गया है। सिंपल वर्ड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि Redmi 9 प्राइम में आपको क्लीन मास्टर नहीं मिलेगा, आप बाय कर सकते हो, इसमें किसी भी तरह का प्राइम सिक्योरिटी वाला इशू नहीं है। जी हाँ, तो आखिर ये फेक न्यूज फैलाया किसने, ये इंडियन ऑडियंस के सेंटिमेंट के साथ स्कैम किया किसने, तो भैया जो हमारे सो कॉल्ड इंडिया के सबसे बड़े टेक यूट्यूबर हैं गुरु घंटाल जी। जी हाँ, ये जो गुरु घंटाल जी हैं, ये इतना बड़ा पेड इंसान है, इतना बड़ा बायस्ड इंसान है, इतना बड़ा झूठा इंसान है, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है और अगर पैसे ना मिले तो भी ये कुछ भी कर सकता है। यानी कि अगर इसको पैसे ना मिले तो ये ब्रांड्स की ले भी सकता है, लेकिन अगर ब्रांड्स इसको भर भर के पैसे दे तो ये ब्रांड्स को अपना दे भी सकता है। जी हाँ, ये जो गुरु घंटाल जी है, इसी ने स्कैम किया है, इसी ने फेक न्यूज फैलाया है कि Redmi 9 प्राइम में मिलता है क्लीन मास्टर का एप्लीकेशन। अरे दसवीं फेल हो या नौवीं फेल हो या दूसरी फेल हो या नर्सरी फेल हो, ये मुझे बता दो गुरु घंटाल जी, मतलब कुछ भी यहां पे चल रहा है। मैं आपको सच्चाई बताता हूं, ये गुरु घंटाल जी आता है एक स्मार्टफोन का डब्बा लेकर के ये दिखाने कि यही Redmi 9 प्राइम है, उस डब्बे पे कहीं भी प्राइम लिखा हुआ नहीं है। उस वीडियो में गुरु घंटाल जी ये भी कहता है ये Redmi 9 है लेकिन इंडिया में इसी का नाम बदल करके Redmi 9 प्राइम से लॉन्च होगा। मतलब Redmi 9 तो इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है, Redmi 9 प्राइम इंडिया में लॉन्च हुआ है, तो वो Redmi 9 का डब्बा क्यों दिखा रहे हैं, ये मुझे तो भाई नहीं समझ में आया। ये आप लोग समझ जाना, आप लोग समझदार हो, समझ जाना। एक चीज मुझे बताओ, जो Redmi 9 इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है तो फिर वो Redmi 9 आया कहां से उनके पास, मतलब कि Redmi 9 दुबई में लॉन्च हुआ है, तो भैया आंखें खुली, उन्होंने दुबई का स्मार्टफोन अनबॉक्सिंग करके लोगों को ये जताना चाहा कि ये इंडियन स्मार्टफोन है। दुबई से स्मार्टफोन खरीद के लोगों को ये बताना चाहा कि जो दुबई के स्मार्टफोन में मिलता है वही इंडियन स्मार्टफोन में भी मिलेगा। यानी कि अगर दुबई के स्मार्टफोन में सेकेंडरी लैंग्वेज अरेबिक होगा तो वो ये कहना चाहते हैं कि इंडियन के स्मार्टफोन में इंग्लिश के बाद जो सेकेंडरी लैंग्वेज होगा वो हिंदी नहीं अरेबिक होगा। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं, जो ये क्लीन मास्टर है वो हमारे देश इंडिया में बैन हुआ है, दुबई में बैन नहीं हुआ है। तो अगर आप दुबई में जाके कोई फोन खरीदते हो उसमें क्लीन मास्टर रहता है तो इसका जिम्मेवारी किसी ब्रांड की नहीं है, वो आपने खरीदा है। तो सॉफ्टवेयर नाम की चीज होती है, दुबई में बैन नहीं है क्लीन मास्टर, चाइना में बैन नहीं है क्लीन मास्टर, चाइना में जाके खरीद लोगे उसमें चाइनीज स्टफ रहेंगे, चाइनीज एप्लीकेशन रहेंगे, ये आप नहीं कह सकते कि भाई ये चाइनीज सॉफ्टवेयर क्यों है, ये चाइनीज एप्लीकेशन क्यों है, ये क्लीन मास्टर क्यों है। अरे भैया इंडियन रिटेल यूनिट उठाओ ना, इंडिया से बॉक्स खरीदो ना, इंडिया से फोन खरीदो ना, उसमें अगर हो तो बोलो, दुबई का कोई भी फोन उठा के कुछ भी बोल दोगे, ब्रांड्स को डिफेम करने के लिए पैसे नहीं मिल रहे इसलिए, कुछ भी लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, क्या समझ रखा है लोगों को कि लोग ये एकदम बिल्कुल सोचेंगे नहीं। रीजन सॉफ्टवेयर भी एक चीज होती है, काम डाउन, ठीक है, रीजनल सॉफ्टवेयर भी एक चीज होती है। जैसे दुबई में सेकेंडरी लैंग्वेज अरेबिक होता है, दुबई में हिंदी बहुत ही नीचे होता है, उसी तरह से इंडिया में हिंदी ऊपर होता है और अरेबिक काफी नीचे होता है, तो सॉफ्टवेयर वाली चीज होती है। और जब सॉफ्टवेयर में है क्लीन मास्टर वहां पे, तो एटलीस्ट आपको चेक तो करना चाहिए कि हाँ Redmi 9 प्राइम में है या नहीं है क्लीन मास्टर, अपने यूट्यूबर फ्रेंड लोग से पूछना चाहिए। पूछा आपने? अच्छा चलो, जब वीडियो बना रहे थे क्लीन मास्टर तो आपने Redmi 9 प्राइम क्यों नहीं दिखाया, Redmi 9 दिखा करके लोगों का स्कैम क्यों कर रहे हो कि यही Redmi 9 प्राइम है, सॉफ्टवेयर का अलग नहीं होगा इंडिया के लिए, क्लीन मास्टर तो कहीं भी दिखाया नहीं, बस ये कब फिक्स होगा, Xiaomi क्यों नहीं इसके ऊपर जवाब दे रहा है, अरे Realme क्यों नहीं जवाब दे रहा है। हाँ? अच्छा चलो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, डेढ़ महीने पहले जब MI कम्युनिटी बैन हुआ था
शाओमी ने 2 घंटे के अंदर एमआई कम्युनिटी को बैन कर दिया था और उसे ऑफ कर दिया था और आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते थे। क्लीन मास्टर बैन हुआ था तो 4 से 5 दिनों के बाद सबको अपडेट्स मिलना शुरू हो गई थी, जिसमें कई सारे शाओमी के डिवाइसेस से जो ऑलरेडी बाय किए हुए डिवाइसेस थे, जो ऑलरेडी डिवाइसेस इंडिया में लॉन्च हो चुके थे, पुराने डिवाइसेस, उन सब में भी एप्लीकेशन अपडेट के थ्रू क्लीन मास्टर के डेफिनेशन को हटा करके शाओमी का अपना डेफिनेशन लगाया जा रहा था। यानी कि क्लीनर तो रहेगा लेकिन क्लीन मास्टर का डेफिनेशन नहीं रहेगा, क्लीन मास्टर के सर्वर पे कुछ भी अपलोड नहीं होगा। तो ढेर सारे डिवाइसेस में चेंज किया जा रहा है ऑलरेडी गाइज, अपडेट फेस्ड मैनर में धीरे धीरे सभी डिवाइसेस को अपडेट मिल रही है। ऑलरेडी मेरे पोको F1 में, पोको X2 में और Redmi Note 7 Pro में मिल चुका था गाइज, यानी क्लीन मास्टर हट चुका है। लेकिन गाइस कई सारे कुछ ऐसे डिवाइसेस होंगे जिनमें अभी भी मिल रहा होगा और क्लीन मास्टर हटाया जा रहा होगा। तो सबसे पहले एक्ट शाओमी नहीं किया था, सबसे पहले क्लीन मास्टर को शाओमी नहीं हटाया था। लेकिन आप कह रहे हो कि शाओमी अनाउंस क्यों नहीं कर रहा, अरे पोको वाले ने अनाउंस किया था, सी मनमोहन ने अनाउंस किया था, लेटर लिखा था कि जी हम लोग हटाएंगे और फिर 2 दिनों के अंदर हटा लिया था। तो अनाउंस तो किया था पोको वालों ने, चलो शाओमी ने पर्सनली नहीं किया लेकिन उनसे अगर ईमेल किया गया तो उसमें ईमेल का भी जवाब आया था कि जी हम लोग हटा रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने ट्विटर पे भी देखा था जिसमें लिखा हुआ था कि अब शाओमी अपना डेफिनेशन यूज कर रहा है, बहुत सारी चीजें हुई थी। लेकिन आप भाई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात कर रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ, जब ये क्लीन मास्टर बैन हुआ था तो 10 से 15 दिनों के अंदर शाओमी की तरफ से ये सारे एक्शंस लिए जा चुके थे, लेकिन लगभग 15 दिनों के बाद यानी 20-25 दिन या 1 महीना हो गया तब रियलमी वालों ने यह कहा कि जी हाँ हम लोग भी हटाएंगे क्लीन मास्टर। लेकिन आपका एक वीडियो भी नहीं मिलेगा बिकाऊ इंसान जो क्लीन मास्टर के खिलाफ हो रियलमी के फोन्स में, एक वीडियो भी आपका नहीं मिलेगा, तुम इतने बड़े बिकाऊ इंसान है। और आज भी क्लीन मास्टर के कई सारे डिवाइसेस में, रियलमी के कई सारे डिवाइसेस में क्लीन मास्टर मिल जाता है, लेकिन शाओमी के बहुत ही कम डिवाइसेस होंगे जिसमें क्लीन मास्टर मिलता है। लेकिन तुम बिकाऊ इंसान सिर्फ और सिर्फ शाओमी के ऊपर ही जवाब सवाल उठाओगे क्योंकि शाओमी तुम्हें घास नहीं डालता, पैसे नहीं देता, तुम्हारे ऊपर टट्टी भी नहीं करता इस वजह से। तो भैया रियलमी में भी प्राइवेसी इश्यूज है लेकिन उसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। ये इतना बड़ा बिकाऊ इंसान है ना, इतना बड़ा सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ करके व्यूज कमाता है इंडियन सेंटीमेंट के साथ कि भैया ये मतलब क्या बताऊंगा आपको सिंपल वर्ड्स में, ये हाथ को सैनिटाइज करके चाइनीज एप्लीकेशन को डिलीट करेगा लेकिन उसी हाथ को सैनिटाइज करके चाइनीज फोन्स को नहीं हटाएगा, चाइनीज फोन्स को प्रमोट करेगा। अभी ही गाइस रियलमी के फोन्स को प्रमोट किया, ऑनर के फोन्स को प्रमोट किया, हुआवे के फोन्स को प्रमोट किया, मोटरोला के फोन्स को प्रमोट किया, हर एक चाइनीज ब्रांड्स को ये प्रमोट किए जा रहा है और लोगों का सेंटिमेंट गेन करने के लिए हाथ में सैनिटाइज लगा के बस एप्लीकेशन अनइंस्टॉल किए जा रहा है। मतलब ये भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरह हो गया है, एप्लीकेशन बंद करना है लेकिन डिवाइसेस को बंद नहीं करना है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। तो ये जो इंडियन सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो ना तुम टेक्निकल गुरु घंटाल जी, ये बंद कर दो, ठीक है। लोग आपकी असलियत जान चुके हैं, जितने फेक स्कैम और झूठी बातें तुम करते हो ना लोग सब समझ चुके हैं। दुबई का फोन दिखा करके इंडियन सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दो, आ रहा है समझ में, वरना जान रो ना मैं इधर बैठा हुआ हूं।